वेलकम टू वीकली करंट अफेयर्स फोर्टीन टू ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एडिशन ऑफ वोमेन्स आई पी एल डब्ल्यू आई पी एल टू बी हेल्ड इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी आंसर इज ए दैट इज मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अब तक क्या होता था अब तक मैन का ही आई पी एल होता था अब बी सी सी आई ने क्या बोला है कि हम वोमेन का भी आईपीएल करवाएंगे मार्च 2023 में सो फर्स्ट एडिशन होगा है वोमेन इंडियन प्रीमियर लीग का मार्च 2023 से स्टार्ट होगा वहाँ पे पांच टीमें होगी ठीक है और बीसीसीआई बीसीसीआई हमारे पास इंडिया की जो न, जो रेगुलेट करता है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को उनके प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली सेक्रेटरी जय शाह सो so, तीन तीन जो टीम्स हैं Uh, वो होंगी मुंबई इंडियन राजस्थान रॉयल्स एंड चेन्नई सुपर किंग उन्होंने ऐसा बोला है कि हम इनको एक एक टीम खरीदेंगे अब कुछ और क्वेश्चंस लाइक एशिया कप 2022 दैट विल बी होस्टेड बाय यू पहले ये कहाँ पे हो रहा था श्रीलंका में अब कहाँ पे हो रहा है यू में टी वर्ल्ड कप ट्वेंटी विल बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड ओडीआई वर्ल्ड कप ट्वेंटी दैट विल बी इन इंडिया नाउ आई एम यू एन डी पी एंड डैश डैश कोलेबरेटिड फॉर क्लाइमेट एक्शन इन इंडियाज टेन स्टेट्स एंड यू टी ठीक है कौन सी है चाइना यूएसए जापान और यूके आई एम डी यू एन डी पी के साथ मिलकर किसने किया है पैक्ट जापान ने किया है ठीक है किसके लिए क्लाइमेट एक्शन के लिए इंडिया की दस सिटीज़ में ठीक है दस सिटीज़ कौन कौन सी है बिहार दिल्ली एनसीआर गुजरात झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा सिक्किम उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश ठीक है यू ने इंडिया को आ, कितना रिसीव किया है फाइव मिलियन डॉलर जो है आ, रिसीव किया है कहाँ से फ्रॉम जापान जापान ने इंडिया की जो आईएमडी यूएनडीपी है उनको दिया है 5.16 मिलियन यूएस डॉलर फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए उससे बचने के लिए क्लाइमेट चेंज की वजह से त्रासदी वगैरह होती है उससे बचने के लिए ठीक है नाउ कार्बन एमिशन टू बी रिड्यूस्ड बाय इंडिया वन बिलियन टन कब तक 2030 तक ठीक है इंस्टॉल 500 गीगावाट ऑफ नॉन फोजिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2020 uh, 2030 रिड्यूस इट्स कावर कार्बन इंटेंसिटी बाय लेस देन 45 परसेंट बाय द एंड ऑफ द नेट जीरो का कब तक का टारगेट इंडिया नेट जीरो पे होता ग्लास्को इन नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन हाइगम एंड शाल शाल हाईगम एंड शालबाग ये दो चीजें दो रामसर वेटलैंड है कौन सी स्टेट और यूटी के है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और बिहार सो आंसर इज़ बी दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर की ये है हाई एंड शालबाग तो अभी अभी क्या हुआ है आ, हमारे पास टोटल जो रामसर साइट्स हैं अब सेवेंटी फाइव जो है हो गई है ठीक है ग्यारह और इसमें ऐड कर दी गई है ठीक है टोटल हमारे पास आपने याद रखना है आज तक हमारे पास टोटल है रामसर साइड ट्वेंटी सेवेंटी फाइव ठीक है और अभी ग्यारह नई आई है कौन कौन सी चार तमिलनाडु में तीन ओडिशा दो जे एंड के वन ईच इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में एक एक ठीक है अब अब आपने ये भी याद रखना है कि इसका टोटल कवरिंग एरिया कितना है तेरह हेक्टेयर का ठीक है और तमिलनाडु हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट दैट इज चौदह टोटल हमारे पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु के पास है और उत्तर प्रदेश के पास दूसरे नंबर पे दैट इज टेन ठीक है अब जो अभी जो नई बनी है ग्यारह वो है उड़ीसा की सबसे पहले लेते हैं टांपारा लेक हीराकुंड रिजर्वियर एंड अनसुपा लेक ठीक है ये दोनों ये तीनों हमारे पास उड़ीसा के हैं यशवंत सागर दैट इज़ ऑफ मध्य प्रदेश आपने ये याद रखना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यशवंत सागर उसके बाद तमिलनाडु की चार है चित्रागुड़ी बर्ड सेंचुरी सचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स बर्ड सेंचुरी एंड काजीरंग कुलम बर्ड सेंचुरी तो ये तमिलनाडु की है अब थाने क्रीक, थाने का पता है आप कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र का है हाइगम एंड शालबर्ग दे आर द वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग इज़ टू तो बी ऑर्गेनाइज एट न्यू डेली पंचकुला पुणे और बेंगलुरु सो so, आपने याद रखना है ए दैट इज़ बेंगलुरु में हमारे पास वुमेन खेलो इंडिया uh, वुमेन हॉकी लीग का कप हो रहा है ठीक है फर्स्ट टाइम हो रहा है न्यू दिल्ली में हो रहा है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सोलह टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी ठीक है कुछ और क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स डे ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त ऑन द बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी दैट इज इन लखनऊ यूपी खेलो इंडिया यूथ गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू दैट दैट वॉज हेल्ड इन पंचकूला मस्कट वॉज धाकड़ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 ट्वेंटी टू दट वॉज हैपन इन बैंगलुरु वीरा जैन यूनिवर्सिटी इसमें फर्स्ट आई है और ऊपर वाले में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा सबसे पहले नंबर पे आया था अंडर yeah, नाइन अंडर सेवनटीन फीफा वर्ल्ड कप वुमेन 2022 ट्वेंटी टू किसने होस्ट कौन होस्ट करेगा इंडिया होस्ट करेगा बट ये जो है अब बैन हो गया है अब ये इंडिया होस्ट नहीं करेगा फॉर करंट टाइम के लिए ठीक है थॉमस कप जो बैडमिंटन का है इंडिया ये मेल मेल वर्जन होता है थॉमस कप कप बैडमिंटन का इंडिया ने किसको इंडोनेशिया को इनल में रह के पहली बार जो थॉमस कप जीता है उबेर कप फीमेल का होता है ट्वेंटी ट्वेंटी टू साउथ कोरिया ने किसको डिफीट किया इसमें चाइना को और साउथ कोरिया ने फाइनल जीता है उबेर कप का नाउ एस बी आई टूरन इंडियन वीजा सेंटर्स इंडियन के जो वीजा सेंटर्स हैं वो कौन सी कंट्री में खोलेगा दैट इज कॉन्गो केन्या लाओस और बांग्लादेश सो आंसर इज डी दैट इज बांग्लादेश तो बांग्लादेश में हमारे पास पहले से ही पंद्रह जो है इंडियन वीजा सेंटर्स जो है खुल चुके हैं इन बांग्लादेश में ठीक है तो एक और खोलेंगे आ, तो किसके लिए होता है फिलिंग सबमिशन ऑफ फॉर्म्स स्लॉट बुकिंग एंड लॉन्चिंग मोबाइल ऐप्स ठीक है तो आई वी ए सी जो हमारे पास जमुना फ्यूचर पार्क है इन ढाका में वो 2018 में ओपन हुआ था एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ये जो जमुना फ्यूचर पार्क इन ढाका है ये सबसे बड़ा है आ, इंडियन वीज़ा सेंटर इन ढाका ठीक है द फर्स्ट आई वी ए सी इंडियन आ, इंडियन वीज़ा सेंटर कहाँ पे स्टार्ट हुआ था एस बी आई का दैट इज इन ढाका 2005 में स्टार्ट हुआ था ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दैट इज़ इन मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई नाइन 1955 अब 1921 में क्या हुआ था 1921 में क्या हुआ था बैंक ऑफ मद्रास मद्रास कलकत्ता एंड बॉम्बे ठीक है ये तीनों को मिला के हमने एक बनाया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ठीक है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम जो है uh, 1955 में चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था

उनकी काउंसलिंग करनी है उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उनकी स्किल डेवलप करना है ताकि वो बी ना मांगे अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें ठीक है ंक फर्स्ट एमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड सिक्सटीन ऑल इंस्टीट्यूशन द एडमिक सेक्टर अकॉर्डिंग टू द नेचर इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो इंडिया की कौन सी है वो यूनिवर्सिटी दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का पहला रैंक आया है इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज सिक्सटीन ऑफ रैंक ठीक है किसने किया है द नेचर इंडेक्स ने तो नेचर इंडेक्स क्या है हमारे पास ये हमारे पास रिसर्च uh, पेपर ये पब्लिश करते हैं हाई क्वालिटी के रिसर्च पेपर जनरल ठीक है इंक्लूडिंग केमेस्ट लाइफ साइंस अर्थ इन एनवाइट साइंस इन्होंने ये इंडेक्स जारी किया है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का रैंक वन है एन की रैंकिंग में आई मद्रास इस बार सबसे पहले नंबर पे आया है एंड आई बेंगलुरु सेकंड प्लेस पे मैक्सिकन प्रेसिडेंट प्रपोज पीस कमीशन लेड बाय थ्री लीडर्स दे आर सो आंसर इज ए दैट इज नरेंद्र मोदी तो मैक् मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनू लोपेज ओब्राडोर उन्होंने क्या किया पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित करने के लिए तीन लीडर्स को आगे बुलाया है दे आर नरेंद्र मोदी प्रॉप फ्रांस फ्रांसिस ठीक है एंटोनियो गुटारेस ये हमारे पास कहाँ के हैं यूएनजीए के हेड हैं ठीक है इसका कमीशन की इसका क्या है इसका एम क्या है टू प्रेजेंट ए प्रपोजल टू स्टॉप द वॉर ठीक है अराउंड द वर्ल्ड में वॉर को ख़त्म करना और उसके बाद जो कंट्रीज हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उनके बीच में एग्रीमेंट्स करवाना ठीक है स्टॉप वॉर करने, करने के लिए इन तीनों को बुलाया गया है मैक्सिको के प्रेजिडेंट एंड्रेस लोपेज ओब्राडोर मैक्सिको की सिटी दैट इज मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी एंड मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिकन पीसो ना द रिसर्च शिप एक रिसर्च शिप है उसका नाम है युआंग वांग फाइव बिलोंग्स टू विच कंट्री ठीक है आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि आ, चाइना जो है एक आ, युआंग वांग फाइव अपना रिसर्च शिप भेज रहा है कहाँ पे ये इंडिया है यहाँ पे श्रीलंका है श्रीलंका में यहाँ पे इनका है हमन टोटा पोर्ट ठीक है ये जो है यहाँ पे इसको भेज रहा है ठीक है ये किस लिए भेज रहा है आ, ये इसलिए भेज रहा है क्योंकि जो ये वॉन्ग युआन वांग फाइव है ये इतना पावरफुल साढ़े सात सौ किलोमीटर तक साढ़े सात सौ किलोमीटर तक के जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो उनको कैप्चर कर लेता है बट इंडिया ने क्या बोला था श्रीलंका को तो, तो इंडिया ने क्या बोला था इनको श्रीलंका वालों को कि ये जो वांग फाइव जो आपका आ रहा है यहां से वांग फाइव इसको यहाँ पे ना आने दो क्योंकि ये यह यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं जहाँ पे हमारे पास नेवल बेस है बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं तो इंडिया ने इनको मना किया था पहले, पहले तो श्रीलंका ने इनको मना कर दिया था कि वोंग फाइव को यहाँ पे रुकने मत दो ठीक है पर अब क्या कर दिया इन्होंने इन्होंने इसको इजाज़त दी है श्रीलंका को कि सॉरी सॉरी श्रीलंका ने इजाज़त दी है चाइना को कि आप हम टोटा पोर्ट में इस शिप को ला सकते हो ठीक है सो इंडियन एयरफोर्स ने uh, ड्रोनियर टू ट्वेंटी एट मेरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है वो श्रीलंका को गिफ्ट कर दिए हैं नाउ न्यू एलिफेंट रिजर्व ठीक है थर्टी सेकेंड इज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड इन अगस्त्यमलाई तमिलनाडु मानस असम कंचनजंगा सिक्किम और नानबदी सो आंसर इज़ ए दैट इज़ अगस्त्यमलाई सो अगस्त्यमलाई जो टाइगर इज अगस्त्यमलाई अगस्त्यमलाई जो रिज़र्व है वहाँ पे हमने थर्टी सेकेंड जो है एलिफेंट रिजर्व इंडिया का बनाया है ठीक है एलिफेंट्स कितने हमारे पास ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर हमारे पास टोटल है और अबाउट सिक्सटी परसेंट टोटल जो पूरे वर्ल्ड में एलिफेंट्स है उसका सिक्सटी फोर हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं सिक्सटी परसेंट हमारे पास इंडिया में ही पाए जाते हैं ठीक है लॉस क्यों होगा एलिफेंट जो है हमारे पास ये बार बार लॉस हो रहे हैं इनकी शॉर्टेज हो रही है क्यों हो रही है नेचुरल हैविडेंट लॉस ठीक है शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर ठीक है एलिफेंट्स क्लोजर ह्यूमन जब ह्यूमन uh, के क्लोज आ जाते हैं सेटलमेंट में तब उनके बीच में फ़ाइट्स हो जाती हैं और उनमें इनकी डेथ भी हो जाती है मैनी एलिफेंट्स किल्स इन रिटेलिएशन एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है अगस्त्य मलाई विल बी द कंट्रीज थर्टी सेकेंड एलिफेंट रिजर्व ठीक है इट इज़ इन तमिलनाडु एंड और तमिलनाडु का ये पाँचवा एलिफेंट रिज़र्व है अगस्त्य मलाई में नाउ वन एम एल ए वन पेंशन स्कीम इज पास बाई विच स्टेट गवर्नमेंट ठीक है वन एम एल ए वन पेंशन तो ये जो काम था यह आपको पता ही है आप गवर्नमेंट ही करेगी और आप गवर्नमेंट आप आजकल कहाँ पर है दिल्ली और पंजाब में बट ये किसने किया है पंजाब गवर्नमेंट ने ठीक है सीएम इज भगवंत मान वन नेशन वन टैक्स दैट इज जीएसटी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वो यूपी में स्टार्ट किया है जिसके ब्रांड एम्बेसिडर है कंगना रणवत मेरीना तबसुम है वो पहली साउथ एशियन है टू विन लिस्बन ट्रीनल अचीवमेंट अवार्ड शी इज फ्रॉम बांग्लादेश यू पाकिस्तान और बांग्लादेश मेरीना जो तबसुम है वो बांग्लादेश की है जिनको जो है लिस्बन ट्रीनल अचीवमेंट अवार्ड मिला है ठीक है लिस्बन कहा की राजधानी है दैट इज ऑफ पॉर्चुगल ठीक है आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है टू गिव अटेंशन टू अर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसके लिए इनको ये दिया गया है, और Pritchker Award, Pritchker Award जो है 2021, वो भी आर्किटेक्चर का नोबल प्राइज बोलते हैं उसको फ्रांसिस कैरे को मिला है फर्स्ट अफ्रीकन एंड रामानुजन अवार्ड इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू नीना गुप्ता एबल अवार्ड इन मैथमेटिक्सो गिवन टू द डेनिसलेवान फॉर टोपोग्राफी यह भी आपने याद रखने फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स फॉर फ्री कौन सी कंट्री दे रही है फिनलैंड स्कॉटलैंड स्वीडन नॉर्वे सो आंसर इज बी दैट इज स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड जो है पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड की जो फ्री में सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो है आ, फीमेल्स को देंगी ठीक है ये हमारे पास पीरियड प्रोटेक्शन बिल है ट्वेंटी ट्वेंटी टू का स्कॉटलैंड का ठीक है कॉप ट्वेंटी सिक्स दैट हैपन्स इन ग्लास्को एंड कॉप ट्वेंटी सेवन दैट विल बी इन इजिप्ट ठीक है फर्स्ट फीमेल टू पास इंग्लिश चैनल इंडिया की वो है आरती साहा ये भी आपने ध्यान रखना ये तीन क्वेश्चन नाउ सेकेंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स ठीक है नॉर्थ ईस्ट की अपनी एक ओलंपिक गेम्स होती है सबसे पहले दो में हुआ था दैट इज मणिपुर में हुआ था उसमें बारह गेम्स थी फिर नॉर्थ ईस्ट जो ओलंपिक गेम्स है वो आ, अब कहाँ पे हो रही है वो होगी 2022 में दैट इज इन मेघालय वहाँ पे कितनी है हमारे पास 16 गेम्स हैं ठीक है तो इसका आंसर है डी दैट इज मेघालय इसके कुछ क्वेश्चन हैं लाइक दिस ये भी हमने पहले भी कर लिया है नेशनल स्पोर्ट्स से ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकूला हरियाणा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु अंडर सेवेंटीन फीफा वर्ल्ड कप दैट विल भी हेल्ड इन इंडिया बट ये कैंसिल हो गया है थॉमस कप दैट इज इंडिया डिफीटेड इंडोनेशिया इन फाइनल

उसका नाम है अकाशा एयरलाइन एक महीने पहले ये इन्होंने बनाई थी बाय राकेश जु, राकेश झुंझुनवाला और फर्स्ट फ्लाइट इसकी मुंबई टू अहमदाबाद थी अकाशा एयरलाइन का जो हैडक्वाटर है दैट इज़ इन कहाँ पे है दैट इज इन मुंबई ना नेक्स्ट पिन कोड जो पिन कोड्स हैं जो आ, हमारी एरिया का अपना अपना एक पिन कोड है वो कब स्टार्ट हुआ था ठीक है उन्होंने उनको जो है सेवनटी फाइव ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस इंडिया कंप्लीट सेवेंटी फाइव ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है हाँ जब हमारा इंडिया सेवेंटी फाइव ईयर का हो गया तब हमारा जो पिन कोड है वो कितने साल का हो गया है दैट इज़ फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी और 70 मीन्स यही है कि पिन कोड हमने कब स्टार्ट किए थे ये क्वेश्चन आया भी था एच पी टैट में सो आंसर इज़ बी दैट इज़ फिफ्टी तो पचास साल हो गया हमारे पास पिन कोड को जब से हमने इसको स्टार्ट किया है ये पंद्रह अगस्त नाइनटीन सेवेंटी टू को स्टार्ट किया था हमने पोस्टल सर्विस का ठीक है एंड पिन कोड्स आर सिक्स डिजिट नंबर्स ठीक है हर एक गांव के लिए हर एक तहसील के लिए हमने अलग अलग से ये डिवाइड किया होता है ताकि हम अच्छे से जो है जो पोस्टमैन है वो अच्छे से लेटर को डिलीवर कर सके नाउ डैश डैश पास इज़ द बिल बैन मास कन्वर्जन ठीक है एक्सटेंड जेल टर्म ऑफ टेन ईयर्स ठीक है हमने हमारे पास हिमाचल प्रदेश में क्या था मास कन्वर्जन का मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में अगर हम कन्वर्जन करें फोर्सफुली तो हिमाचल गवर्नमेंट या बहुत सारी स्टेट ने ये बिल पास किया है कि मास कन्वर्जन ना हो तो उसमें जो उसमें दो एक्स जेल टर्म था वो कम था पहले अब इन्होंने दस साल का कर दिया है दैट इज़ हिमाचल प्रदेश ठीक है तो हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2022 तो उन्होंने दस साल की जो है अब इम्प्रीजनमेंट रखी है विच यूनिवर्सिटी स्टूडेंट क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट ह्यूमन इमेज ऑफ वेविंग फ्लैव दैट इज़ आपने ये याद रखना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्लस एन फाउंडेशन ये इन दोनों ने क्या कर दिया है बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए कितने पाँच हज़ार आठ सौ पचासी पीपल जो है इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या बना दिया है एक तिरंगे का पोस्टर बना दिया है कितने उन्हें? ना, हमारे पास पाँच हजार आठ सौ पचासी पीपल ने इस तरह का एक आ, इमेज बनाई है वेविंग फ्लैग ठीक है वेविंग फ्लैग की एक इमेज बनाई है जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है पहले ये रिकॉर्ड था हमारे पास यू के पास अब लार्जेस्ट ह्यूमन इमेज ऑफ वेविंग नेशनल फ्लैग इसमें हमारे पास पाँच हजार आठ सौ पचासी पीपल ने पार्टिसिपेट किया था दिस इवेंट वॉज द पार्ट ऑफ हर घर तिरंगा कैंपेन ना बी आर ओ टू बिल्ड फर्स्ट स्टील स्लैग रोड ऑन बॉर्डर एट अरुणाचल प्रदेश सिक्किम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सो आंसर इज ए दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश सो बी आर ओ बोर्ड एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है वो क्या बना रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट स्टील स्लैग स्टील का जो पार्ट्स बचते हैं ना उनको पिघला के हमने क्या बनानी है एक रोड बनानी है ठीक है तो कौन बना रहा है बी आर ओ बना रहा है फ़र्स्ट है इनका अरुणाचल प्रदेश में इसको यूटिलाइज़ करेंगे ठीक है ये जैसे वहाँ पे बहुत सारी रेन होती है बहुत सारा स्नोफॉल होता है वेदर उल्टी सीधी मतलब बहुत ठंड बहुत गर्मी टाइप इस तरह के वेदर कंडीशंस होते हैं बड़ी हार्ड वेदर कंडीशंस होती है तो उसके लिए बहुत अच्छा रोड बनेगा ठीक है तो ये पहले कहाँ पर हुआ था हमारे पास सूतर, सूरत गुजरात में है, ठीक है फर्स्ट रोड स्टील स्लैग रोड अब कहाँ पर बन रहा है दैट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश ऑन इंडिपेंडेंस डे सी एम ऑफ दिस स्टेट यूटी लॉन्च सेवेंटी फाइव आम आदमी क्लिनिक्स तो so आम आदमी आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है दैट इज डेली ठीक है आम आदमी तो पचहत्तर इन्होंने आम आदमी क्लिनिक्स जो है स्टार्ट सॉरी इसका आएगा बी बी दैट इज पंजाब ठीक है पंजाब पंजाब के में जो है भगवत मान है दिल्ली में तो पहले से ही आम आदमी क्लिनिक्स ठीक है पंजाब में हमने क्या करने भगवत मान ने इसको स्टार्ट किया है सेवेंटी फाइव आम आदमी क्लिनिक्स ठीक है तो इसमें मोहल्ला क्लिनिक्स होंगे हंड्रेड टाइप्स ऑफ क्लिनिक टेस्ट फॉर फ्री में होंगे ठीक है इसमें एक फोर स्टाफ मेंबर होंगे एमबीबीएस लैब टेक्नीशियन नर्स और इस तरह से हमारे पास तीन चार इसमें स्टाफ मेंबर भी होंगे विच कंट्री इज़ होस्टिंग द प्री समिट मीटिंग ऑफ टाइगर रेंज कंट्री ठीक है टाइगर टाइगर रेंज कंट्री की वो वो कंट्री जिन जिन कंट्रीज़ में हमारे पास टाइगर्स हैं वो कंट्रीज इकट्ठी होकर क्या करती है टाइगर रेंज कंट्रीज़ की एक समिट होती है ठीक है उस समिट से पहले जो प्री सबमिट होती है उस समिट की तैयारी करने के लिए एक प्री सबमिट होती है उसकी उसका होस्ट कौन था वो था इंडिया ठीक है इंडिया ने इसको होस्ट किया है ठीक है तो जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं उनकी जो सबमिट होने वाली है वो वालाडी वोस्टक में होने वाली है दैट इज इन रशिया ठीक है तेरह कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है ठीक है उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं लाइक टाइगर प्रोजेक्ट वो स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में वर्ल्ड टाइगर डे ऑन ट्वेंटी ऑफ जुलाई वर्ल्ड लाइन डे वर्ल्ड एलिफेंट डे दैट इज ऑन ट्वेल्थ ऑफ अगस्त मोस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स ठीक है कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा है दैट इज फाइव ट्वेंटी सिक्स दट इज मध्य प्रदेश टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया दैट दे आर फिफ्टी

आपका अकेला कहां पे है यूक्रेन में बारह पॉइंट सात परसेंट और इंडिया का इसका है, के साथ, क्या है? सकते हो और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है टैक्स बाय इंडियन गवर्नमेंट ठीक है क्रिप्टो करेंसी पे तीस परसेंट स्टार्ट किया है ठीक है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स कौन सा है क्रिप्टो वायर ठीक है उसमें पंद्रह ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हुई है ठीक है इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स ठीक है दैट इज आई सी फिफ्टीन नाउ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर वेयर मेट्रो सर्विस विल बी स्टार्टेड इन कोलकाता सो आपने याद रखना है कोलकाता सो कोलकाता में क्या हो रहा है हमारे पास इन हमारे पास जो हुगली रिवर है ठीक है ये हमारे पास हुगली रिवर है ठीक है तो हमारे पास क्या हो रहा है इसके ऊपर जो है हावड़ा ब्रिज है ठीक है जो हावडा ब्रिज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो गया है जिस लोड की वजह से क्या होगा उस लोड को कम करने के लिए अब मेट्रो क्या बोल रहा है कि हम जो ये जो ये हुगली हुगली रिवर है इसके अंदर क्या करेंगे एक टनल बनाएंगे उन्होंने ये टनल बना दी है जिसके थ्रू क्या जाएगी हमारे पास नीचे से ही हमारे पास मेट्रो सर्विस जाएगी दैट इज़ कोलकाता ठीक है सो so, इसकी लेंथ होगी 10.8 10.8 किलोमीटर ये पानी के नीचे होगा और टोटल लेंथ जो होगी वो होगी 16.55 किलोमीटर और ये 2023 से स्टार्ट होगा ठीक है ऑपरेशन माई सहेली स्टार्टेड बाय साउथ ईस्ट रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता ठीक है टोटल रेलवे जो इंडिया में है 18 नेशनल वाटर वे वन दैट इज़ गंगा नेशनल वाटर वे प्रयागराज से हल्दिया तक नेशनल वाटर वे टू दैट इज़ ब्रह्मपुत्रा नेशनल वाटर वे साधिया टू डुबरी इन आसाम द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सेलाइन वाटर लाल ट्रेन विच यूज सी वाटर टू प्रोड्यूस एल ई डी लैम्प ठीक है प्रकाश लाइट रोशनी और उजाला सो आंसर इज सी दैट इज रोशनी तो रोशनी है इसका नाम फर्स्ट सेलाइन वाटर लालटेन दैट इज ने इट्स नेम इज रोशनी ठीक है ईज़ ऑफ लिविंग ठीक है कोस्टल जितना भी हमारे पास कोस्टल वाला एरिया है वहाँ पे हम इसको लगाएंगे कोस्टल वाले एरिया में लगाएंगे ठीक है ईज़ ऑफ लिविंग जो है वहाँ के पुअर और नीडी पीपल की जो फिशिंग कम्युनिटी है जो गरीब कम्युनिटी है उनकी उनके लिए ये लगाएंगे सेलैन वाटर लाल टेंस देर आर मेड ऑफ ऑफ एल ई डी लैम्प्स फ़ीफ़ा है सस्पेंडेड फ़ीफा ने किसको सस्पेंड कर दिया है तो आपने याद रखना है फ़ीफा ने इंडिया का जो बोर्ड है फुटबॉल uh, का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उसको सस्पेंड कर दिया है क्यों सस्पेंड कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जो है जो हमारे पास ऑल इंडिया फेडरेशन हमारे पास है ए वहाँ पे क्या हुआ वहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे जो हेड है यहाँ पे इलेक्शन होने थे 2020 में वो इलेक्शन नहीं हो पाए ठीक है कोरोना की वजह से तो उसके बाद क्या हुआ अभी क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे किया कि आप छः महीने के अंदर यहाँ पे इलेक्शन करवाओ इनको बोला कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर इलेक्शन करवाओ तब तक हम यहाँ पर अपने एक मेम्बर्स भेजेंगे जो कि इसको देखेंगे ठीक है मैंबर्स भेजेंगे इसको देखेंगे तो फ़ीफा ने अब क्या बोला है फीफा ने बोला है कि एक हम फीफा है और एक ए आई एफ एफ है हमारे के बीच में हमारे बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए बट सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व कर गया है थर्ड पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाई है तो वो बोल रहे हैं उसको कि ये थर्ड पार्टी है इसकी वजह से क्या कर दिया है फीफा ने आ, ए आई एफ एफ को बैन कर दिया है ए आई एफ एफ को सस्पेंड कर दिया है इसके सस्पेंड होने की वजह से क्या हो रहा है अंडर फि फीफा अंडर सेवनटीन जो वोवेन वर्ल्ड कप इंडिया में होना था वो जो है अब कैंसिल हो गया है ठीक है अब फिफाफ के प्रेसिडेंट कौन है गनाई इन्फेंटिनो फाउंडेड ऑन 21 मई दो और चार को ये फाउंड हुआ था हेड क्वार्टर इसके ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय आईपीएसओएस इंडिया विच थ्री इंस्टीट्यूशन आर मोस्ट ट्रस्टेड इन इंडिया कौन से तीन इंस्टीट्यूशन सबसे ट्रस्टेड है तो आप सबसे पहले याद रखना है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस पहले नंबर पे है दूसरे नंबर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तीसरा हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस हो है, जिसके अंदर बहुत सारे सेक्रेट्रियट बैठते हैं वो है ठीक है तो सबसे पहले क्या है डिफेंस फोर्सेस 65 परसेंट जो है उनको वोट मिले ठीक है सौ में से 65 लोग ये मानते हैं कि ये सबसे आ, इस पे ट्रस्ट है उनको ठीक है रिजर्व बैंक 50 परसेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थर्ड 49 परसेंट चौथे प्लेस पे है सुप्रीम कोर्ट फिफ्थ प्लेस पे है सी और पार्लियामेंट थर्टी के बाद सेवन नंबर पर है और एट्थ रैंक पे मीडिया नाइन्थ रैंक पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सबसे लास्ट सबसे बॉटम आप करो गैस करो कौन हो सकता है आपको पता ही है देट इस आर पॉलिटिशियन सिक्सटीन परसेंट वो हैज बिन अपॉइंटेड सी ई ऑफ नेट ग्रिड नेट ग्रिड क्या है नेशनल इंटेलिजेंसी ग्रिड मतलब कि जहाँ से हमारे पास सारा का सारा इंटेलिजेंस हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो कंट्रोल होती है वो उसको बोलते हैं नेट ग्रिड ठीक है उसको सी ई ओ कौन है दैट इज पीयूष गोयल वो आई ए एस ऑफिसर थे नागालैंड कैडर के पीयूष गोयल उनको अपॉइंट किया है सीई ओ ऑफ नेट ग्रिड के ठीक है ये हमारे पास क्या है इट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग मतलब कि गैदर करना टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ठीक है नेट ग्रिड कब बना था 2009 में अभी अभी बनी है ठीक है नेट ग्रिड का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली इंडिया नाउ विच इंडियन नेवल वॉरशिप कंडक्टेड 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव रन एट सैन डियागो यू नेवी बेस ठीक है ऑन इंडिपेंडेंस डे तो उसका नाम है आई एन एस सतपुड़ा आपने ध्यान रखना है आई एन एस सतपुड़ा सेंट डियागो यू एस नेवी बेस में गया था वहाँ पे इसने सेवेंटी फाइव लैप किया है आज़ादी का अमृत महोत्सव में ठीक है तो ये पहली तो हमारे पास सतपुड़ा जो है वो पहला बना है हमारे पास आ, जो कि इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग को लेके गया है ठीक है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ठीक है पचहत्तर साल के ईयर में पचहत्तर साल का जो ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया है आ, उसके लिए ठीक है इट इज़ द फर्स्ट टाइम जब हमारे पास इंडियन नेवल शिप जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में गया है ठीक है आई एन एस सतपुड़ा एंड पी आ, जो एयरक्राफ्ट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिमपैक में जो रिमपैक है वो कौन सी है वो सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है वर्ल्ड का ठीक है उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था आई एन एस सतपुड़ा एंड पी ए पी एट वन ने पी एट आई ने आई तर्कश जो आइनेस एन तर्कश है वो गया था रियो ब्राजील में वहाँ पे उसने अनफ्लर किया था इंडियन फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे फिफ्टी ऑफ अगस्त नाउ विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम इज स्टार्टेड बाय विस स्टेट दैट इज जे एंड के ठीक है हमारे पास क्या है हमारे पास यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर है ठीक है इंडिया का जो ये बॉर्डर है यहाँ पे क्या किया है इंडिया वालों ने जो यहाँ के जो विलेजेस uh, हैं ठीक है इंडिया के बॉर्डर पे जो विलेजेज हैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो विलेजेज हैं वहां पे विलेज को सेफ रखने के लिए यहाँ के लोगों को ही इन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है इंडियन आर्मी ने ठीक है टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर विलेजेस बाई गिविंग ट्रेनिंग टू विलेजर्स ठीक है उसको बोल रहे हैं विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम ठीक है लेफ्टिनेंट गवर्नर जे एंड के दैट इज़ मनोज सिन्हा सीमा दर्शन योजना किसने स्टार्ट की थी दैट इज गुजरात लोसर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख हेमिस फेस्टिवल लद्दाख ट्यूलिप फेस्टिवल जे एंड के दचिंगम फेस्टिवल सॉरी द फेस्टिवल नहीं है ये नेशनल पार्क है दैट इज़ इन जे एंड के च फिल्म गॉट बेस्ट फिल्म अवार्ड इन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ़ मेलबर्न ट्वेंटी ट्वेंटी टू दैट इज़ एटी थ्री एटी थ्री जो मूवी है रणवीर सिंह की उसको क्या मिला है बेस्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ़ मेलबर्न में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस शेफाली शाह फॉर द मूवी जलसा के लिए ठीक है नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 की बात करें बेस्ट एक्टर दैट इज अजय देवगन एंड सूर्या बेस्ट मूवी सुरा राय पट्टू एंड बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बाला मुरली ऑस्कर फिल्म अवार्ड की बात करें तो बेस्ट एक्टर विल स्मिथ बेस्ट एक्ट्रेस जैसिना जेसिका चास्टेन एंड बेस्ट मूवी दैट इज कोडा हु बिकेम न्यू प्रेजिडेंट ऑफ केनिया केनिया के जो प्रेजिडेंट है वो कौन बने हैं आपने याद रखना है विलियम सेमोई अराप रूटो ठीक है विलियम सराई अराट अराप रूटो जो है केनिया के न्यू प्रेजिडेंट बने हैं उन्होंने किसको हराया है राइला ओडिंगा को उन्होंने हराया है कितने वोट फिफ्टी पॉइंट फोर नाइन परसेंट वोट इन्होंने लिए हैं ओडिंगा ने को मिले हैं फोर्टी एट पॉइंट एट फाइव परसेंट वोट ठीक है अब कुछ और है अपॉइंटमेंट्स हैं ये आपने याद रखनी है गुस्टावो पेट्रो फर्स्ट लेफ्टस्ट प्रेसिडेंट ऑफ <laughs> कोलंबिया तंजानिया के फर्स्ट प्रीमियर फीमेल प्रेजिडेंट दैट इज सामिया सुलू हसन सेवनटीन प्रेजिडेंट ऑफ फिलीपींस दैट इज फर्ड इनाट माक्रोस जूनियर्स ठीक है आपने याद रखना है फिलीपींस में छह साल का टेन ईयर होता है प्रेजिडेंट का इंडिया में पांच साल का फोर्टींथ पी एम ऑफ इसराइल दैट इज यर लिपिड प्रेजिडेंट ऑफ सोमालिया हसन शेख प्रेजिडेंट ऑफ फंगरी कटाली वो नोवाक जेम्स मरापे पी एम ऑफ पपुआ न्यू गिनी जेम्स मरापे ठीक है नेक्स्ट The gun used for very first time for 21 gun salute on 15th August 2022 was ARTG A, uh, ATRG gun M1 gun एम फिफ्टीन गन और नॉन ऑफ दी सो आंसर इज ए दैट इज ए टी आर जी गन सो ए टी आर जी हमारे पास इंडिजीनियस हमने खुद बनाई है ठीक है एडवांस टोर्ड अटलरी गन ये जो है इक्कीस तोपों की इस्लामी के लिए हम पंद्रह अगस्त को इसका यूज़ किया था मेड बाय डी आर डी ओ कैलिबर इसका क्या है वन फिफ्टी फाइव एम एम और फिफ्टी टू लॉन्ग डिस्टेंस गन है फर्स्ट टाइम इंडिजीनियस गन वॉज यूज ठीक है मोस्ट नंबर ऑफ टाइम फ्लैग इज़ अन फ्लर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू दैट इज़ नाइनटीन टाइम्स हुई इज गोइंग टू होस्ट वन थर्टी फर्स्ट एडिशन ऑफ डूरेंट कप ठीक है हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश मणिपुर वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल मणिपुर असम सिक्किम मणिपुर वेस्ट बंगाल सो आंसर इज सी दैट इज वेस्ट बंगाल मणिपुर और असम डूरेंट कप का वन थर्टी फर्स्ट एडिशन जो है वो होस्ट कर रहे हैं ठीक है डोरेंट कप क्या था ये स्टार्ट हुआ था हमारे पास हिमाचल प्रदेश में ना एटीन एटी एट में ठीक है एटीन एटी एट में एनाडेल वहाँ पे ग्राउंड है वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल चैंपियनशिप है और वर्ल्ड की थर्ड ओल्डेस्ट चैंपियनशिप है फुटबॉल की देयर विल बी ट्वेंटी टीम्स होंगी वहाँ पर विनर पिछली बार uh, जो हमारे पास विनर है मोस्ट टाइम विनर है वो मोहन बागान कोलकाता का एक क्लब है ठीक है बेस्ट प्लेयर मेल प्लेयर ऑफ द ईयर ए आई एफ एफ दैट इज सुनील छेत्री बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर फुटबॉल में दैट इज मनीषा कल्याण दोनों इंडिया के हैं ठीक है मंथन प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू मंथन आप मंथन का याद रखना मंथन मतलब मन मतलब कि आपका दिमाग ठीक है तो मंथन ये आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलाबोरेशन के ऊपर डिपेंड करता है मतलब कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अब एरिया में हमने आ, बहुत एडवांस करनी है एडवांसमेंट करनी है द कोलाबोरेशन इज बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च इंडस्ट्री और रिसर्च इंस्टीट्यूट आपस में इकट्ठी होंगी ठीक है वो क्या करेंगी बहुत सारे इनोवेशंस करेंगी सोल्यूशंस इन इंडिया लाइक आर एंड डी के थ्रू ठीक है बिल्डिंग एंड लॉचरिंग इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ठीक है रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा दे दे रहा है इट इज़ पावर्ड बाय एन एस एन एस सी आई टी एंड इट इज़ लेड बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ठीक है वो कौन है अजय कुमार सूद विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव अ वैक्सीन फॉर कोविड ओमिक्रोन वेरियंट ठीक है वो है यूके तो इंग्लैंड ने क्या किया है uh, उन्होंने कोविड ओमिक्रोन वेरिएंट के लिए क्या कर दिया है फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव वैक्सीन उन्होंने अप्रूव कर दी है इसके लिए ठीक है अठारह साल के ऊपर के पीपल uh, के लिए ठीक है फर्स्ट डीएनए बेस्ड जो वैक्सीन है वो है जी का जी जाइकोव डी ठीक है जाइडस कैडिला की है ठीक है वर्ल्ड फर्स्ट कोविड नाइन्टीन वैक्सीन दैट इज स्पुतनिक वी ठीक है कोविड शील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई थी नाउ इंडियाज़ फर्स्ट थ्री प्रिंटेड ह्यूमन कोरोना कोर्निया ठीक है ह्यूमन कॉर्निया जो हमारे पास ये आँख होती है आँख के बीच में जो गोला जैसा होता है उसको बोलते हैं हम कॉर्निया ठीक है वो किसने थ्री प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया आर्टिफिशियली किसने बनाया था वो बनाया है सी आई हैदराबाद और एल ने ठीक है इनके क्या है सी का मतलब है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ठीक है आई हैदराबाद एंड एल वी पी आई एल वी पी आई एल वी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट ठीक है इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया थ्री डी प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया बनाया हुआ है ठीक है वो आर्टिफिशियल है फर्स्ट टाइम किसी ने आर्टिफिशियल बनाया है ठीक है इसको हम क्या कर सकते हैं पेशेंट में पे इसको यूज़ भी कर सकते हैं ठीक है इट इज़ एंटायरली नेचुरल सिंथेटिक इंटीग्रिय से फ्री है मतलब तो कि सेफ फॉर द पेशेंट पेशेंट के यूज करने के लिए बिल्कुल सेफ है और इसके अब क्या हो रहे हैं ट्रायल्स भी हो रहे हैं सुल्तान अजलान शाह कप 2022 विल बी हेल्ड इन आपने इसका याद रखना है सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी का कप है और वो हमेशा से ही एक जगह पे ही होता है दैट इज मलेशिया में ठीक है इस बार कहाँ पे हो रहा है आईपो मलेशिया में हो रहा है ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम नाइनटीन एट से स्टार्ट किया गया है ठीक है दो लास्ट जो इसका था था वो 2019 में था इसमें साउथ कोरिया जो विनर रहा था उसने फाइनल में इंडिया को हराया था ठीक है मोस्ट टाइम जो है अजलान शाह टूर्नामेंट किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया टेन टाइम्स जो कि आजकल रैंक नंबर वन टीम है इंडिया ने पांच टाइम पांच बार और पाकिस्तान और साउथ कोरिया ने तीन तीन बार जीते हैं ठीक है द इवेंट इज़ नेम्ड आफ्टर लिजेंडर हॉकी फैन एंड फॉर्मर एफ आई एच एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेम्बर दैट इज़ सुल्तान अजलान शाह ऑफ मलेशिया पारसी न्यू ईयर कब नवरोज जो होता है वो कब सेलिब्रेट करते हैं दैट इज़ सिक्सटीन ऑफ अगस्त को हम इसको आ, वो करते हैं ठीक है इट इज आंसर बी जो मुस्लिम का नवरोज होता है वो इक्कीस मार्च को होता है आपने ध्यान रखना है इसका ठीक है द बिगनिंग ऑफ नवरोज ये पारसी वाला है सोलह अगस्त को पैंतीस सौ आना था यहाँ पे शायद ईयर्स ओल्ड बैक वैन प्रोफेट जराथुस्त्रा फाउंडेड द जुरास्टिनिज्म इन पर्शिया ईरान ठीक है एवरी ईयर पारसी न्यूर इज सेलिब्रेटेड ऑन सिक्स ऑफ अगस्त ठीक है दिस दिस ईयर आल्सो अ न्यू ईयर 2022 इंडिया विल ऑब्जर्व रीजनल हॉलीडे और इसका कौन सा कैलेंडर बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं शाहिन शाही कैलेंडर अब चरखा उत्सव जो है इज़ बिंग सेलिब्रेटेड इन दैट इज़ मध्य प्रदेश में हम क्या कर रहे हैं चरखा उत्सव चरखा चाक उत्सव जो मना रहे हैं जो चरखा से जो हम बुनकर है जो वीवर्स हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं कपड़े वगैरह बनाते हैं उनको जो है एडवर्टाइज करने के लिए एक कोहर पैलेस है एम में वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ हुआ था चरखा चाक उत्सव ऑन सिक्सटीन अगस्त 2022 टू टू प्रमोट क्लोथ्स मेड बाय वीवर्स बाय यूजिंग चरखा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया विच इज विच इज फंक्शनली लिटरेट ठीक है जो फंक्शनली लिटरेट है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की दैट इज सी मांडला सो मांडला जो है हमारे पास इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट है जो फंक्शनली लिटरेट है फंक्शन फंक्शनली लिटरेट मतलब पीपल मतलब कि मैक्स सारे पीपल जो है जो काउंटिंग भी कर सकते हैं रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं अपने नाम वगैरह ठीक है लिटरेसी इज मेजर्ड एबव द एज ऑफ सेवन ईयर्स मोस्ट लिटरेसी रेट इज़ जो इंडिया की है दैट इज केरला 2011 के सेंसस के आधार पे है और सबसे कम जो लिटरेसी uh, है दैट इज ऑफ बिहार नाउ फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट कौन है बुरहानपुर एमपी एशिया का बिगेस्ट बायो सी प्लांट दैट इज इंदौर मध्य प्रदेश फर्स्ट जियो पार्क दैट इज इन लम्हेटा मध्य प्रदेश बायोमास हाइड्रोजन प्लांट दैट इज खांडवा मध्य प्रदेश बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दैट इज ओंकारेश्वर डैम इन मध्य प्रदेश वि स्टेट स्टार्टिड विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट ठीक है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स मतलब कि हमारे पास एक बस है उसका नाम है विद्यारथ ठीक है विद्यारथ ऑन स्कूल व्हील्स ठीक है और यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई गांव है यहाँ पे बच्चे हैं ठीक है बहुत हीनोमिकली पुअर हैं और कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके वजह से वो स्कूल नहीं जा सकते हैं ठीक है तो ये बस क्या आएगी इनके पास आएगी ठीक है यहाँ पर आएगी बस ठीक है और ये इनको यहाँ पर पढ़ाएगी ठीक है इस बस के थ्रू इनको पढ़ाएंगे ठीक है इट इज अ प्रोजेक्ट इम एलिमेंट्री एजुकेशन इकोनॉमिकली चैलेंज पर चिल्ड्रन इन द सोसाइटी ठीक है कितने महीनों के लिए दस महीनों के लिए चलाएंगे ये इसको ठीक है आफ्टर दस महीने दस महीनों के बाद जो ये बच्चे हैं इनको इनको कहाँ पे कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इनको लेके आएंगे स्कूल में इनको लेके आएंगे ठीक है इनको क्या करेंगे इनको हम फ्री मिड डे मील भी देंगे फ्री यूनिफॉर्म भी देंगे फ्री बुक्स भी देंगे तो ये जो स्टार्ट की है विद्यारथ स्कूल योजना वो की है स्टार्ट आसाम ने आसाम पहली स्टेट बनी ये जिसने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स जो है स्टार्ट किया है तो चीफ मिनिस्टर ऑफ असम दैट इज हेमंत बिस्वा शर्मा अलोंग विद चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट दैट इज आर एम छाया लॉन्च द विद्यारथ इन दोनों ने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ असम दैट इज हेमंत बिस्वा नाउ व्हाट इज निदान निदान क्या है निदान हमारे पास क्या है नेशनल इंटीग्रेशन नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्कोस ऑफेंडर्स कुछ एक पीपल हैं वो क्या करते हैं नार्कोटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं गांजा अफीम वगैरह का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इनको जो है एक बार इन्होंने क्या कर दिया पुलिस वालों ने इनको अरेस्ट कर लिया ठीक है फिर इनका क्या होगा इनका एक डाटा तैयार होता है ठीक है डाटा बेस होगा वहाँ पे इनके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी लाइक फिंगरप्रिंट पूरा फोटो पूरी इंफॉर्मेशन इनकी यहाँ डाटा बेस में होगी इसका होगा क्या जितनी भी हमारे पास औ, और आ, एंटी ड्रग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ठीक है वो क्या कर सकेगी अगर किसी को पकड़ती है तो वो इसमें देखेगी कि ये बंदा पहले से पकड़ा हुआ है इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है तो ये हम पहले से इन्फॉर्मेशन इनको दे सकते हैं बाय यूजिंग द निदान पोर्टल ठीक है ये डाटा बेस है नारकोटिक ऑफेंडर्स का ठीक है पोर्टल निदान ये किसने किया है नेशनल इंटीग्रेटेड डाटा ऑन अरेस्टेड ऑफेंडर्स किसने किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने इसको बनाया है निदान इज वन टल्यूशन फॉर ऑल नारकोटिक्स ऑफेंडर्स रिलेटेड डाटा विल हेल्प इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उनका काम जो है और भी आसान हो जाएगा वीर दुर्गा दास जो स्टैचू है वो कहाँ पे अनवील हुआ है दैट इज आपने ये याद रखना है ये गुजरा सॉरी राजस्थान में हुआ है राजस्थान के जोधपुर में इसको बनाया गया है वीर दुर्गा दास कौन थे वीर दुर्गा दास एक वॉरियर थे राजा थे जो जिन्होंने फाइट किया था औरंगजेब के साथ विद करेज ठीक है बाय किसने इसको अनवील किया है बाय राजनाथ सिंह एट जोधपुर साल वाल कला सालवा कला विलेज में आठ मेटल से इसका बना हुआ है ठीक है आठ मेटल के कॉम्बिनेशन से दो फिट की ये है एंड चौदह सौ किलोग्राम का ये स्टैचू है एंड गारदा लेक गारधा लेक कहा है अब हमारे पास क्या हुआ इटली में इटली में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा है ठीक है ये इटली है इटली में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा है आजकल बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे हमारे पास एक गारदा लेक है ठीक है और यहाँ पे हमारे पास पो रिवर है ठीक है पो रिवर है और इसके आसपास हमारे पास, पास, पास बहुत सारा एग्रीकल्चर होता है अब वहां पे बारिश नहीं हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगा ये जो रिवर है पो रिवर वो जो है क्या होगी सूख गई है इसमें पानी नहीं है तो एग्री ग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ रही है एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर जिएगे कैसे वहाँ के लोग तो उन्होंने क्या कर दिया जो ये गारदा लेक है यहाँ से पानी उठाया और ये इसमें डाल दिया है ठीक है पो लेक पो रिवर में इन्होंने डाल दिया जिसकी वजह से जो है ये जो एग्रीकल्चर है ये इफेक्ट ना हो अभी ये गारदा लेक क्या है इसका पानी खत्म हो गया और ये सूखने लग गई है तभी ये न्यूज़ में है आजकल ठीक है तो आपने यही यही लिखा है इसमें एंड नाउ गारदा लेक इज़ गेटिंग ड्राइड ठीक है वर्ल्ड का बिगेस्ट लेक कहाँ पे है दैट इज़ ठीक है वर्ल्ड डिपेस्ट लेक दैट इज बायकाल लेक वर्ल्ड बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक दैट इज सुपीरियर लेक ऑन द बॉर्डर ऑफ कैनेडा एंड यूएसए। सो गाड़ा लेक कहाँ पे है दैट इज इन इटली वो स्टार्टिड द नेशनल मिशन मेक इंडिया नंबर वन ठीक है ये जो स्टार्ट किया है ये स्टार्ट किया है आपके अरविंद केजरीवाल जी ने वो आ, डेली सी एम है आप पार्टी के ठीक है डेली सी एम अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्स द नेशन वाइज मेक इन मेक इंडिया नंबर वन ठीक है उसने क्या किया अर्ज इज द सिटीजन सिटीजन जो कंट्री के सिटीजन है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी कांग्रेस और जो भी है हमारे पास आर उन सबको इन्होंने इकट्ठा होने के लिए बोला है ठीक है टू मेक इंडिया नंबर वन अगेन ठीक है पांच प्रायोरिटीज़ इन्होंने मेंशन की है लाइक फ्री एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स फ्री हेल्थ केयर टू ऑल इम्प्लॉयमेंट टू यूथ इक्वल राइट एंड डिग्निटी टू वोमेन एंड फेयर प्राइस फॉर द फार्मर्स ये पांच अपने याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएम पी मोदी ने भी ये अनाउंस किया था कि पंच प्राण गोल इन्होंने लॉन्च किए हैं फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स ठीक है पचहत्तर साल हो गया पचहत्तर पच्चीस साल और है ठीक है मतलब कि जब सौ हमारे पास हंड्रेड कंप्लीट ईयर हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के तब तक हमने क्या बनाना है इंडिया को डेवलप्ड कंट्री जो है हमने बनाना है ठीक है ये बोला है प्राइम मिनिस्टर ने पंच प्राण में तो पंच पंच प्राण में उन्होंने पांच चीज़ों पे फोकस किया है दैट इज़ एडवांस्ड एडवांसमेंट हमने करनी है डेवलपमेंट करनी है ठीक है दूसरा गेट राइड ऑफ साइन ऑफ स्लेवरी से हमने मुक्त होना है कि स्लेवरी वाला माइंड सेट नहीं रखना है टेक प्राइड इंडिया की हिस्ट्री को प्राइड में लेना है पावर ऑफ यूनिटी यूनिटी रखनी है ड्यूटी ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ दोज सिटीज़न uh, की जो ड्यूटी है उनको पूरा करना पड़ेगा और पीएम और सीएम को भी अपनी ड्यूटीज़ निभानी पड़ेगी तो आप अब आप, आप, आप खुद सोचो जो ये पाँच अपने पीएम मोदी ने जो पांच पंचमंत्र दिए हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं या फिर ये जो पांच इफेक्टिव हैं पांच प्रायोरिटीज़ दिए हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है आई थिंक दीज फाइव आर मोर पावरफुल जो कि हमें एडवांस्ड बना सकती है और डेवलप्ड नेशन बना सकती है इंडिया को नाउ वोस्टक ट्वेंटी ट्वेंटी टू विल बी ऑर्गेनाइज इन रशिया चाइना बेलारूस और ताजिकिस्तान सो आंसर इज ए दैट इज रशिया वोस्तक आपका नाम है वोस्तक तो ये रशिया में ही ये जगह है ठीक है तो रशिया में ही वोस्टक ट्वेंटी ट्वेंटी टू ऑर्गेनाइज होगा इसमें कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी इसमें आपकी पार्टिसिपेट करेंगी रशिया चाइना ये एक एक्सरसाइज है जिसमें रशिया चाइना और इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा ये बहुत बड़ी बात है कि रशिया चाइना और इंडिया तीनों इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और तीन और कंट्रीज है बेलारूस मंगोलिया एंड ताजिकिस्तान आपने ये ध्यान रखना है तीन और हैं इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं लोग फोकस करते हैं चाइना रशिया और इंडिया पर अब बेलारूस ताजिकिस्तान और मंगोलिया भी इसके मेम्बर्स हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं नाउ फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट है दैट इज गोवा ठीक है गोवा ही पहली स्टेट थी जिसने हर घर जल स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की थी टोटल न, पूरे गोवा में ठीक है हंड्रेड परसेंट बट अब क्या हुआ अब इसको सर्टिफिकेट मिल गया इस चीज़ का ठीक है गोवा को तो ये फर्स्ट स्टेट बन गई है तो पंद्रह अगस्त दो हज़ार उन्नीस को हमने क्या स्टार्ट किया था जल जीवन मिशन उसके अंतर्गत ये था हर घर जल स्कीम ठीक है जिसमें हमने क्या करना था पचपन लीटर जो है वाटर देना था पर डे पर मैन एक आदमी के लिए पच्चीस पचपन पच्च लीटर पर डे दे हमने देना था वाटर टैप वाटर ठीक है गोवा बिकम्स द फर्स्ट सर्टिफाइड हरगल जल स्टेट और फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया दैट हरगल जल स्टेट दैट इज बुरहानपुर मध्य प्रदेश सो जी एस टी म्यूजियम फर्स्ट जो जी एस टी म्यूजियम है दैट इज धरोहर दैट इज इन पणजी गोवा हरगल जल फर्स्ट सर्टिफाइड यूटी दैट इज दमन दमन दीव दमन दीव लिखो यहाँ पे दमन दीव दादरा नगर हवेली ये हमारे पास फर्स्ट यूटी है फर्स्ट स्टेट गोवा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है बुरहानपुर एमपी और फर्स्ट जो यूटी है दैट इज दीव दादरा एंड नगर हवेली नाउ इंडियन रेलवे लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन ठीक है लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन मतलब कि मालगाड़ी सबसे लंबी मालगाड़ी कौन है वो है आपके पास सुपर वासुकी आपने ध्यान रखना है सुपर वासुकी है इसकी लेंथ है थ्री पॉइंट साढ़े तीन किलोमीटर दो सौ पचानवे इसके पार्ट्स हैं जो लगे हैं और सिक्स लोकोज हैं ट्रायल कब हुआ था पंद्रह अगस्त दो हज़ार बाईस को इट टुक्स फोर मिनट्स एक स्टेशन है उसको पास होने में ये इसको लगते हैं चार मिनट ठीक है सताई हज़ार प्लस टन जो है उठा सकती है ये कहाँ से कोरबा से राजनंदा राजनंदागांव छत्तीसगढ़ में इसका ट्रायल हुआ था नाउ एशियाज़ बिगेस्ट कंप्रेस्ड बायोग गैस प्लांट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन एशिया का सबसे बड़ा जो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट वो स्टार्ट हुआ है संगरूर पंजाब में अब वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे खेत खेती होती है आपके पास पैडी होता है मतलब धान उगाते हैं उसका जो आ, बच जाता है पीछे उसको क्या करते हैं वहाँ पर जलाते हैं उसको पराली बोलते हैं पराली वगैरह भी होते हैं उसको जलाते हैं इसकी वजह से क्या होता है हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब और दिल्ली में क्या हो जाता था पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता था इसको कम के लिए उन्होंने क्या किया है एक यहां पे एशिया का बिगेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट खोल दिया है जो भी प्राली आएगी नो बर्निंग ऑफ प्राली वहां पे नहीं जलेगी वो अपने इसमें डाल देना है पैडी को इसमें डाल देना है स्टबल को इसमें डाल देना है जो भी कचरा आएगा उसको इसमें डालेंगे इससे क्या बनेगी गैस बनेगी वो गैस कौन यूज करेगा आईओ जो है उसको यूज़ करेगा ठीक है टोटल कैपेसिटी कितनी होगी थर्टी थ्री पॉइंट टू थ्री टन जो है वो पर डे गैस बनेगी यहाँ पे ठीक है तो इससे क्या होगा पोल्यूशन कम होगा दूसरा क्या होगा रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलेगा वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा ठीक है फर्स्ट सर्टिफाइड हरगत जल डिस्ट्रिक्ट बुरानपुर एशिया का बिगेस्ट बायो एन प्लांट इंदौर फर्स्ट जियो पार्क लमेटा बायोमास हाइड्रोजन प्लांट खांडवा बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओमा ओमकारेश्वर डैम ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट दैट इज इन पूर्णिया बिहार ये भी आपने ध्यान रखना है ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट पूर्णिया बिहार नाउ इंडिया का फर्स्ट ई ठीक है हमने क्या करना है ई डबल डेकर ई डबल डेकर एयर कंडीशनिंग बस डबल डेकर बस है ठीक है एयर कंडीशनिंग भी है इसमें ए भी है ठीक है फर्स्ट और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है ठीक है ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है दैट इज इन मुंबई ठीक है मुंबई में ये स्टार्ट हुई है नितिन गडकरी जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने इसको लॉन्च किया था और ये कौन सी कंपनी बना रही है इसका नाम है स्विच कंपनी बना रही है नेम ऑफ द बस इज स्विच इलेक्ट्रिक व्हीकल 2022 ठीक है और एक निदान भी हमारे पास पीछे हमने पढ़ा था कुछ चार पांच स्लाइड पहले निदान पोर्टल इज बाय एन ने इसको स्टार्ट किया है ठीक है बैगिंग मतलब कि जो नारकोटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्रिमिनल्स हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए डाटा बेस है ना वि स्टेट अनाउंस टू परसेंट सीट रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब ठीक है किसने किया है ये किया है कर्नाटका ने कर्नाटका ने दो परसेंट जो है वो रिजर्वेशन देंगे गवर्नमेंट जॉब में फॉर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और उन्होंने बास्केटबॉल को क्या बना दिया है स्टेट का स्टेट स्पोर्ट्स बना दिया है अपना कर्नाटका ने और राजस्थान का भी यही हमारे पास आ, स्टेट, स्टेट स्पोर्ट्स है बास्केटबॉल सीएम कौन है कर्नाटका के विश्वराज बोमई कैसरे हिंद कैसरे हिंद क्या है हमारे पास एक स्टेट बटरफ्लाई है स्टेट बटरफ्लाई जो घोषित किया अरुणाचल प्रदेश ने ठीक है स्नो लेपर्ड किस किस का है दैट इज़ ऑफ लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल इंडियाज़ हेरिटेज एनिमल दैट इज एलिफेंट बारह अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट नाइनटीन नाइनटी टू में स्टार्ट हुआ था नैशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है गैंगटिक डोल्फिन है और डॉल्फिन डे ऑन फिफ्थ ऑफ अक्टूबर को मनाते हैं नाउ नमस्ते स्कीम वाज लॉन्च बाय किसने लॉन्च किया है ये इन दोनों ने लॉन्च की है ने हाँ ये इन दोनों ने लॉन्च किया है इसका नाम आएगा डी ठीक है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन दोनों ने ये नमस्ते स्कीम जो है लॉन्च की है ठीक है जीरो फेटिलिटी सैनिटे जैसे हमारे पास सैनिटेशन वर्क करते हैं ठीक है अब हमारे पास ये सीवेज लाइन है ठीक है यहाँ पे क्या होता है एक यहाँ पे एक बॉक्स जैसा होता है डब्बा जैसा होता है खोलने के लिए यहाँ से हम इसको खोलते हैं ढक्कन इसका खोलते हैं इसके अंदर जो है आदमी चले जाते हैं जब इसके अंदर आदमी चले जाते हैं इसके अंदर बहुत खतरनाक गैसेज होती हैं एनो टू मिथेन बहुत टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जो है इसमें गैसेज होती हैं जब इसके अंदर जो पर्सन तो वो क्या होते हैं दो पर्सन होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं और गैसेज की वजह से क्या हो जाता है उनका दम घुट जाता है और वो मर जाते हैं टॉक्सिक गैसेज की वजह से तो इसको रिड्यूस करने के लिए उनकी डेथ ना हो उनकी बॉडी पर कोई इफेक्ट ना हो वो क्या करते हैं नमस्ते स्कीम जो है लॉन्च की है इसका मतलब क्या है जीरो फैटिलिटीज़ मतलब डेथ नहीं होनी चाहिए सैनिटेशन वर्कर जो इसके अंदर जाते हैं सैनिटे करते हैं इसको जो है साफ करते हैं ठीक है और जो आ, लोग हैं उनको स्किल प्रोवाइड करना है ताकि वो इसके अंदर जाके अपनी स्किल के थ्रू क्या करेंगे वो सफाई करें इंडिया में अभी भी ये मैनुअल काम होता है बट और कंट्रीज़ में इसमें मशीनें जो हैं यूज़ में आती हैं तो सैनिटेशन वर्कर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ह्यूमन फैटल मैटर के साथ नहीं आने चाहिए ठीक है इट विल हेल्प मिनिस्टर टू रीच द वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज टू प्रोवाइड देम रिक्वायर्ड सपोर्ट एंड डेवलपिंग स्किल्स जो है स्किल्स भी इसमें डेवलप करेंगे उनको सफाई करने के द एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ रिपोर्ट इज रिलीज बाय वो रिलीज़ की है यू एस बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने ठीक है कौन सी है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ ठीक है एयर क्वालिटी एयर क्वालिटी में इन्होंने दो पैरामीटर इसमें लिए हैं एक लिया है पी एम टू पॉइंट फाइव ठीक है एक लिया है एन ओ टू नाइट्रोजन डाईऑक्साइड ठीक है ये ये वाली ठीक है पीएम ने तो पीएम 2.5 क्या होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं हवा होती है जैसे हमारे पास सीमेंट की फैक्ट्रीज होती है दूसरी बड़ी फैक्ट्रीज होती है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं दीज आर द एलिमेंट्स इनका साइज पी एम होता है ठीक है वो क्या होता है जब यहां पर ह्यूमस होते हैं जैसे सांस लेते हैं तो ये अंदर चले जाते हैं और ये गले में फंस जाते हैं नाक में फंस जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है पैदा होती है और नाइट्रस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस तो यूएस बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया है ये एक इंडेक्स निकाला है पोलू सोल्यूशन एंड ग्लोबल हेल्थ इफेक्ट्स के ऊपर 7000 सिटीज को उन्होंने एनालाइज किया ठीक है 2010 से लेके 2019 तक इसमें क्या किया आ, इसमें हमारे पास 18 से 20 सिटीज हमारे पास इंडिया की आई है टॉप टॉप उसमें टॉप इस लिस्ट में ठीक है दिल्ली उसमें से जो है हमारे पास दिल्ली है वो हाईएस्ट एवरेज लेवल ऑफ फाइन पार्टिकल्स पीएम 2.5 वर्ल्ड की मस्ट पोल्यूटेड पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली पहले नंबर पे है दूसरा कोलकाता है तीसरे नंबर नाइजीरिया की एक सिटी है ठीक है पाँचवें नंबर पे हमारे पास ढाका है ठीक है इस तरह से हमारे पास ये पोल्यूशन है तो दिल्ली का रैंक पहला है इन पोल्यूशन के मामले में विच सिटी होस्ट एफ आई बी ए अंडर एटीन वोमेन एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप दैट इज़ बेंगलुरु बेंगलुरु विल होस्ट एफ आई बी ए अंडर एटीन वोमेन एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप ठीक है कौन कौन से स्टेडियम है कोरामंगला स्टेडियम और श्री कांत स्टेडियम इंडोर स्टेडियम है दोनों ठीक है और इसमें एक सौ बानवे प्लेयर आएंगे बास्केटबॉल के एंड सोलह डिफरेंट कंट्रीज़ सो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के बारे में जानते हैं इट इज़ हेड क्वार्टर इसका माई स्विट्जरलैंड में ठीक है थर्टीनथ एंड करंट एफ आई वी ए प्रेजिडेंट दैट इज हेमानी नियांग ठीक है एफ आई वी ए का एशिया का प्रेजिडेंट दैट इज साउथ अली अल थानी

19 अगस्त 2003 को क्या हुआ था एक बॉम्ब अटैक हुआ था कहाँ पे बगदाद इराक़ में वहाँ पे 22 जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर थे उनकी डेथ हो गई थी जिन उनको याद रखने के लिए 2008 में ये ह्यूमैनिटेरियन डे जो है बनाया गया बाय यूनाइटेड नेशन ना वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये 19 अगस्त को मनाया जाता है ईच ईयर द एम ऑफ द एम ऑफ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस शेयर आइडियाज़ एनकरेज पीपल टू टेक अप फोटोग्राफी ठीक है तो अठारह में क्या हुआ था दो फ्रेंच मैन थे जोसअप नाइस फॉर नाइसफे एंड लुइस डेग्योरे इन्होंने इन्वेंट किया था हमारे पास डेग्योरो टाइप ठीक है एक आ, फोटोग्राफी की तरह एक डिवाइस था ठीक है तो उसको उन्होंने डेवलप किया था फिर दो साल बाद अठारह में फर्स्ट टाइम जो है इसको क्या कर दिया था वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज uh, कर दिया था तभी हम नाइन्टीथ अगस्त को क्या मनाते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाते हैं वो 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन ये क्वेश्चन पहले भी आ गया दैट इज़ इन रशिया में होगा ठीक है सो दैट्स ऑल